सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट पीटी 365 सीरीज, जिसके अंदर अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन पीटी 365 के। इसमें वो सारे करंट अफेयर्स के इश्यूज इन्वॉल्व होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं पीटी 365 का आईआर से, और ये सीरीज कंटिन्यू होगी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। आज का टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या इंटरनेशनल इश्यूज में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर वन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। नंबर टू, इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन, ये दो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे इंडिया, सेंट्रल एशिया एंड रशिया, और एक और चीज इंडिया एंड वेस्ट एशिया, ये भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही डिस्कस करेंगे अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये हमारा आज का टॉपिक है। दूसरी चीज ये है कि इस टॉपिक के बाद इनसे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है, जो लोग पीएसआईआर ऑप्शनल लेने वाले हैं, उनके लिए खासकर, जैसे मान लीजिए इंडिया एंड इट्स नेबर्स में चाइना, तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल, इन सबका जिक्र किया गया है, तो इन सबके रिलेटेड जो करंट इश्यूज हैं उनके बारे में है। लेकिन जिन लोगों का पीएसआईआर ऑप्शनल है, दे मस्ट नो कि इंडिया का नेबरहुड पॉलिसी है क्या, वॉट इज द इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी। दूसरी चीज, हाउ इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी इज बीन चेंजिंग, हैज बीन चेंजिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू एरा टू द मोदी एरा, तो ये हमें जानना जरूरी है। तो उन चीजों को भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन दैट वुड बी इन अ डिफरेंट सेक्शन ऑलटुगेदर। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स इंडिया एंड इट्स नेबर्स फ्रॉम द टॉपिक इंडिया एंड चाइना। हम लोग उन चीजों को देखेंगे जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इंक्लूडिंग द मैप। सबसे पहली बात यह है कि इंडिया चाइना के बीच में पिछले एक डेढ़ साल में सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शंस हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। तो झगड़ों को सुलझाने के लिए बहुत सारे ज्वाइंट टॉक्स भी हो रहे हैं, तो ये न्यूज भी उस ज्वाइंट टॉक्स के ऊपर है। क्या हुआ है न्यूज में, क्या है, 14 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं बिटवीन द सीनियर मिलिट्री कमांडर्स ऑफ बोथ इंडिया एंड चाइना टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ द लॉन्ग स्टैंड ऑफ मतलब जब मिलिट्री आमने सामने होती है, स्टैंड ऑफ इन द माउंटेन्स ऑफ द ईस्टर्न लद्दाख। लद्दाख के ईस्टर्न साइड में जो हिमालयन रेंज चल रहा है, उस रेंज के ऊपर जो दो ग्रुप लड़ने की कगार पे खड़े हैं, जो टेंशन क्रिएट हुआ है उसको सुलझाने के लिए 14वां राउंड ऑफ टॉक्स चल रहा है बिटवीन द सीनियर मिलिट्री कमांडेंट्स। हाल ही में दोनों साइड ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दे वुड कंसोलिडेट अर्लियर आउटकम्स। नाउ दिस इज अ प्रोग्रेस। अर्लियर आउटकम्स का मतलब यह कि जो भी पिछले 13th राउंड ऑफ टॉक्स में डिसाइड किया गया था, वो उससे बेहतर ये 14th राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि 13th राउंड ऑफ टॉक्स में कोई जॉइंट स्टेटमेंट ही नहीं आया था। देयर वाज नो जॉइंट स्टेटमेंट इन द 13th राउंड ऑफ टॉक्स। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो है, दोनों पक्ष जो है, वो एक दूसरे के ओपिनियन से अग्री नहीं कर रहे थे, एंड देयरफॉर देयर वाज नो सच जॉइंट स्टेटमेंट। इन दैट सेंस 14th राउंड ऑफ टॉक्स वाज इंपॉर्टेंट एंड मोर सक्सेसफुल। दूसरी चीज, हमें यह पता करना पड़ेगा कि ईस्टर्न साइड ऑफ लद्दाख में वो कौन कौन से एरिया हैं जहां पे दिक्कतें पैदा हो रही हैं। अगर आप मैप में थोड़ा सा फोकस करें यहां पे, तो आप लोग देख पाएंगे कि यहां पे हमारा अक्साई चीन का एरिया है, ये हमारा अक्साई चीन का एरिया है, और ये जो आप ब्लू से मार्क किया हुआ देख रहे हैं गोल गोल, ये वो एरियाज है जहां पे झगड़े चल रहे हैं, जहां पे स्टैंड ऑफ हुआ है। नंबर वन, देपसांग एक एरिया है, दूसरा गलवन वैली, तीसरा गोगरा, और चौथा एक हॉट स्प्रिंग है पैंगोंग लेक के थोड़ा सा ऊपर। और ये सारा जो लाइन है दोस्तों, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि LAC। अब ये भारत के ईस्टर्न साइड, लद्दाख के ईस्टर्न साइड में ये पूरा चाइना का कब्जाया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? अब दिक्कत क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि भारत का ये जो बॉर्डर है चाइना के साथ, वो किस तरीके से डिमार्केटेड है। नंबर वन, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट को समझ लेते हैं। पहली चीज, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नॉट वेरी क्लियरली डिमार्केटेड, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हियर। दूसरी चीज, तकरीबन 3488 यानी कि 3488 किलोमीटर्स की लेंथ है। अब इसको याद करने के लिए आप अप्रॉक्सिमेटली 3500 भी बोल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरी चीज, ये 3488 जो ये आपका लेंथ है टोटल किलोमीटर्स में, इसी को कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन दोस्तों, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दिस इज नॉट म्यूचुअली अग्रीड, यानी कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो भारत हो चाहे वो चाइना हो, दोनों ही LAC को नहीं मानते हैं, यानी कि उनसे पूछकर, उन दोनों की रजामंदी लेकर के LAC नहीं बनाया गया था। Therefore, it is a bone of contention. So, LAC itself is a bone of contention. Because it was not mutually agreed. Next is, इसकी जो land boundary है, land boundary जो है चाइना की land boundary तकरीबन 14 अलग अलग countries के साथ है। उसमें से इंडिया के साथ चाइना जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो चाइना के लिए थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, जिसके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है। यानी कि चाइना सबसे ज़्यादा किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? मंगोलिया के साथ। उसके बाद वो किससे बॉर्डर शेयर करता है? रशिया के साथ।
और तीसरे नंबर पे आता है भारत। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि चाइना जो है वो किसके साथ कितना परसेंटेज ऑफ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। दूसरी चीज, भारत के साथ चाइना का जो बॉर्डर है इसको हम लोग तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला वेस्टर्न पार्ट, दूसरा मिडिल पार्ट और तीसरा ईस्टर्न पार्ट। अब इस चीज को समझने के लिए तुरंत मैप में आ जाइए, आप लोग मैप देख पा रहे होंगे। ये वाला जो पार्ट है जहां से मैं उत्तराखंड से कट कर रहा हूं, एक ब्लू कलर लेते हैं, उत्तराखंड से मैं जो कट कर रहा हूं, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट। इस वेस्टर्न पार्ट को, इस वेस्टर्न पार्ट के जो लाइन है यहां पे, ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन है इसको LAC बोला जा रहा है। दिस इज LAC। और ये जो टोटल रेड मार्क से जो दिया गया है, जो टोटल रेड मार्क यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, दिस बॉर्डर इज बेसिकली जॉनसन लाइन। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो है सेंट्रल सेक्टर। ये सेंट्रल सेक्टर जो है यहां पे सिक्किम के एरिया के साथ, सिक्किम एरिया के साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। और सिक्किम में एक जगह है चुंबी वैली, ये हमेशा जो है न्यूज पे रहता है। क्यों? बिकॉज इट इज शेयरिंग बॉर्डर विथ चाइना। तीसरा जो है वो है ईस्टर्न सेक्टर, जो कि शुरू होता है आसाम के शुरुआत से और पूरा खत्म होता है अरुणाचल तक। और यहां पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो दिक्कत हो रही है वो है तवांग वैली। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि तवांग जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो इंडिया और चाइना के कौन से सेक्टर में है, कौन से डिवीजन ऑफ बॉर्डर में है, तो क्या बताएंगे? ईस्टर्न वाला सेक्टर पे, ईस्टर्न वाले सेक्टर पे दिक्कत है। और जो चुंबी वैली है वो मिडिल सेक्टर या सेंट्रल सेक्टर में दिक्कत है। और जो हमारा जॉनसन लाइन है, या जितने सारे अभी हम लोगों ने देखा कि गोगरा, गलवान वैली, ये सब कहां पे है? ये वेस्टर्न सेक्टर पे है। तो उसी चीज को एक बार फिर समझ लेते हैं, यहां पे किस तरीके से लिखा गया है, कहां जा रहा जो वेस्टर्न सेक्टर है, इट इज ऑल्सो नोन एज द जॉनसन लाइन। दूसरा जो है वो मिडिल सेक्टर है। मिडिल सेक्टर जो है, मिडिल सेक्टर की खास बात यह, जो सिक्किम के साथ है जहां पे चुम्बी वैली है, इसकी खास बात यह कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको इंडिया और चाइना दोनों ने मिलकर एक्सेप्टेड बॉर्डर है। यानी कि अगर कोई भी ऐसा बॉर्डर है जो कि दोनों ने मिलकर बनाया हो, दोनों की सहमति से बना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल सेक्टर है। और जो आखिरी वाला है जिसको ईस्टर्न सेक्टर कह रहे हैं हम लोग, उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। 99% केसेस में लोग जो है वो यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है इंडिया चाइना के बीच का जो बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन है। वो तो है, लेकिन डिटेल्स में पता करना चाहिए। मैकमोहन लाइन बेसिकली इंडिया चाइना के ईस्टर्न सेक्टर के बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहते हैं, वेस्टर्न सेक्टर को जॉनसन लाइन कहते हैं। तो आई होप ये चीज काफी क्लियर हो गई है। अगर हम थोड़ा सा सीरीज ऑफ डिस्प्यूट्स सेटलमेंट मैकेनिज्म को देखें, कि जो भी हम लोग अभी तक किए हैं चाइना के साथ, सबसे पहले 1993 में एक अग्रीमेंट हुआ था, अग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ये 1993 में स्टार्ट हुआ था। तो अगर कोई सीरीज पूछे या कोई फ्लो चार्ट में डायग्राम बनाना हो कि इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट कब से शुरू हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए भारत ने और चाइना ने क्या क्या स्टेप्स लिया इन द पास्ट, तो इस फ्लो चार्ट को अपने कॉपी में लिखिएगा आंसर में। 1993 में पहला, उसके बाद 1996 जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का जिक्र किया गया था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का जिक्र किया गया था। तीसरा 2005 में क्या हुआ, 2005 में दोस्तों बहुत सारे प्रोटोकॉल और मोडालिटीज फॉर इंप्लीमेंटिंग द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म या मेजर्स, ये लिया गया था 2005 में। फिर 2012 की बात आती है, जब अग्रीमेंट हुआ है ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन 2012। 2013 की बात अगर हम करें तो उसमें बॉर्डर से रिलेटेड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन। नेक्स्ट जो है वो है इंडिया तिब्बत रिलेशन। अब ये इंडिया तिब्बत रिलेशन को शुरू करने से पहले शुरुआती तौर पे हम लोग को पता होना चाहिए कि मैप, ऑलवेज फोकस ऑन मैप व्हेन इट कम्स टू IR, ठीक है। तो चलिए मैप को एक बार ढंग से देख लेते हैं। मैं यहां से रेड में मार्क कर रहा हूं काफी सारी चीजें। सबसे पहली चीज हमें मार्क करना है कि ये जो रेड मार्क मैं कर रहा हूं, ये बेसिकली कौन सा लाइन है, आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। जो अभी रेड से मार्क कर रहा हूं, दिस पोर्शन अप टू दिस, ये कौन सा लाइन है आप लोग मुझे बताइएगा। दिस इज बेसिकली द जॉनसन लाइन। अगर आप लोगों ने सही समझा है तो जॉनसन लाइन है। और ये जो अक्साई चीन बताया जा रहा है, यहां पे एक ऐसा लाइन है, दिस लाइन इज LAC। अब ये वाला जो एरिया है सिक्किम के साथ, यहां हम लोग कहते हैं इसको द मिडिल सेक्टर। यहां पे हमारा चुंबी वैली है, ठीक है। और यहां से एक और शुरू हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द ईस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, और ये क्या है, इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। ये हम लोग एकदम क्लियरली समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो एरिया है जिसको अब मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो है, दिस इज तिब्बत। अब सवाल ये उठता है कि क्या तिब्बत इंडिपेंडेंट है या तिब्बत चाइना का पार्ट है? तो जवाब में हम लोग जाने से पहले हम इस चीज को समझेंगे। एक और चीज देखिए कि तिब्बत अगर एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता तो जिसको हम लोगों ने पूरा जॉनसन लाइन बोला है, वो उसमें से अधिकतर पार्ट जो है वो तिब्बत का है। इवन तो चुंबी वाले वाला जो पार्ट है वो भी तिब्बत के साथ है। तो इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। इवन अरुणाचल वाला पार्ट भी तिब्बत के साथ मेजोरिटी में है। तो हमारे लिए जानना बड़ा जरूरी है कि तिब्बत का क्वेश्चन जो है, तिब्बत की पॉलिटिकल स्टेटस है क्या? इज इट इंडिपेंडेंट कंट्री और इज इट ए पार्ट ऑफ चाइना ऑक्यूपाइड एरिया? उसी चीज को हमें यहां पे समझना है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। न्यूज क्या है इंडिया तिब्बत की, न्यूज क्या है? न्यूज यह है कि चाइना ने हाल ही में कंप्लीट किया है एक कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन? एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बनाया है तिब्बत में, यानी कि चाइना तिब्बत में एक स्ट्रेटेजिक हाईवे बनाया जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। इससे क्या होगा, ग्रेटर एक्सेस मिलेगा चाइना को कहां पे, टू एंटर इनटू द रिमोट एरियाज एंड आल्सो द बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरियाज विद अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया। यानी कि तिब्बत में एक ऐसा स्ट्रेटेजिक हाईवे बनाया है चाइना ने, जिसके वजह से ग्रेटर एक्सेस मिलेगा चाइना को इवन टू द रिमोटेस्ट एरियाज, पर्टिकुलरली अलॉन्ग द बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरियाज विद अरुणाचल प्रदेश। तो स्वाभाविक बात है कि तिब्बत में बना रहे थे बनाओ, लेकिन उसकी वजह से तुम लोग जो अरुणाचल में एंट्री कर रहे हो उससे इंडिया को प्रॉब्लम जरूर होगी, इंडिया की सॉवरेनिटी में दिक्कत हो रही है। अब इसी, ये हमारा न्यूज में है। अब तिब्बत के बारे में कुछ फैक्ट्स जानना जरूरी है। नंबर वन, तिब्बत जो है वो एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बर्फ है, पिघलता है, तो बहुत सारे नदियों को, ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, इंडस, येल्लो, बहुत सारे नदियों को ये पानी देता है, ग्लेशियर जब पिघलता है। तो इट इज द एशिया का वाटर टावर। दूसरा, तिब्बत में बहुत तरीके के मिनरल्स अवेलेबल हैं और ये पहला कमर्शियली टैप रिसोर्सेस है, एक प्लेटू है जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स है। तीसरा, चाइना का बिगेस्ट कॉपर डिपॉजिट, चाइना की जो बिगेस्ट कॉपर डिपॉजिट है वो भी तिब्बत में है, जिसका नाम है यूलोंग कॉपर माइन। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, प्रीलिम्स में एमसीक्यू में पूछ सकता है, यूलोंग कॉपर माइन कहाँ है? ये तिब्बत में है और इस पर कंट्रोल चाइना का है, चाइना का बिगेस्ट कॉपर डिपॉजिट है ये। इसके साथ साथ तिब्बत में आयरन भी मिलता है, लेड भी मिलता है, जिंक मिलता है, कैडियम मिलता है, और तिब्बत के अंदर, तिब्बत के पास बहुत सारा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स के होने की भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो तिब्बत जो है वो काफी कमर्शियली पोटेंशियल एरिया है, उसको अगर एक्सप्लॉइट किया जाए तो, ठीक है। अब इसी चीज को दिमाग में रखते हुए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, समझना कि क्यों चाइना इतना इन्वॉल्व होना चाहता है। चाइना इन्वॉल्व इसलिए होना चाहता है बिकॉज चाइना के लिए रिसोर्सेज मैटर्स। दूसरी चीज, बुद्धिज्म जो है तिब्बत में भारत लेके आया था, ठीक है, बुद्धिज्म जो है वो तिब्बत में भारत लेके आया था। दूसरी चीज, भारत की वजह से ये जो रिलीजन वहां पे फैला तो एक कल्चर डेवलप हुआ। ये जो दलाई लामा है, जो रिलीजियस लीडर है वहां के, वो भी काफी रिस्पेक्टेड आदमी है इन इंडिया ऑल्सो। लेकिन बुद्धिज्म और दलाई लामा, ये सब लोग इंडिया में भले ही रिस्पेक्टेड हो, लेकिन चाइना के लिए दलाई लामा इज नॉट एट ऑल रिस्पेक्टेड। क्योंकि दलाई लामा चाहते थे कि तिब्बत जो है वो एक ऑटोनोमस रीजन बन के रहे, लेकिन चाइना चाहता है कि वो उसका पार्ट बन जाए, तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है। दूसरी चीज ये कि चाइना ने 1949 में तिब्बत को ऑलरेडी एक बार कैप्चर कर रखा था। नेक्स्ट, जो इंडिया के साथ पंचशील प्रोग्राम या अग्रीमेंट साइन किया गया था इन द ईयर ऑफ 1954, ये भी तिब्बत के उस रीजन ने किया था जहां पे चाइना का कंट्रोल है। यानी कि इट वॉज एन अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना, द कोर चाइना के साथ अग्रीमेंट था भी नहीं, तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। और जब ये ऐसा हुआ तो इंडिया ने एक्चुअली में इस अग्रीमेंट ने इट गेव अप द टेरिटोरियल राइट्स टू तिब्बत। तो तिब्बत को काफी सारे टेरिटोरियल राइट्स भी मिल गए। इसीलिए आज तिब्बत को इंडिया ने एक्सेप्ट किया है एज ए ऑटोनोमस एंटिटी एंड एट द सेम टाइम इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। तो सवाल सिर्फ इसमें पूछा जाएगा कि क्या इंडिया तिब्बत को चाइना का ऑटोनोमस पार्ट मानता है? जवाब है हाँ। इसीलिए हमको यह समझना पड़ेगा कि इंडिया ने तिब्बत को इसका चाइना का इंटीग्रल पार्ट माना है, चाइना का इंटीग्रल पार्ट माना है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से वो प्रिंसिपल्स थे पंचशील अग्रीमेंट में जो इंडिया और तिब्बत रीजन ऑफ चाइना ने साइन किया था। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। अब एक और एमसीक्यू बन सकता है यहां पे कि तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ यूएसए। यूएसए भी इसमें इंटरेस्टेड है, सबको इसमें इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि इट इज अ गोल्ड माइन। तो इस एक्ट के अनुसार There will be an establishment of USA consulate in Tibet's main city called Lhasa, ठीक है, जहां पे absolute right होगा Tibetans का to choose the successor of Dalai Lama and the preservation of Tibet's environment।
दूसरी चीज, इट फॉर्मली एक्नॉलेजेस सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन एज अ लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्टिंग द एस्पिरेशन ऑफ द तिब्बतियन डायस्पोरा अराउंड द वर्ल्ड। अब यूएस इसलिए इसको इतना इंडिपेंडेंट, इसको इतना ऑटोनॉमस बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यूएस नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से तिब्बत पे चाइना का कंट्रोल आ जाए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आईआर के, ऑलवेज फोकस ऑन करंट अफेयर्स के साथ, ऑलवेज फोकस ऑन मैप्स, ऑलवेज फोकस ऑन मैप्स व्हेन इट कम्स टू आईआर। तुरंत आईआर पे, इस मैप पे फोकस करो, इंडिया एंड बांग्लादेश। सबसे पहली बात, पहले ये नोटिस कर लो कि किस किस स्टेट के साथ, कितने सारे स्टेट के साथ जो है बांग्लादेश शेयर करता है बॉर्डर। नंबर वन देखो, मिजोरम है, त्रिपुरा है, दो हो गए, मेघालय है, तीन हो गए, असम है, चार हो गया, सिक्किम है, पांच हो गया, यहां वेस्ट बंगाल है, छह हो गया। ठीक है, छह राज्यों के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। अगर मैं तुम्हारे लिए बॉर्डर बना दूं यहां पे, तो वो कुछ इस तरीके का है। ये पूरा बंगाल है यहां तक, उसके बाद यहां से सिक्किम है, फिर यहां थोड़ा सा असम है, फिर ये पूरा मेघालय है, फिर यहां फिर से थोड़ा सा असम है, उसके बाद यहां पर अगर देखोगे तो त्रिपुरा है, और फिर यहां पर जो है वो मिजोरम है। ठीक है, अब ये पूरा एरिया जो बांग्लादेश का तुम्हें अभी दिखाई दे रहा है, ये इमेजिन करो, ये पूरा का पूरा जो है वो टाइम जब ये इंडिया में बंगाल का पार्ट हुआ करता था, अब नहीं है। तो जरा सोचो कि हाउ बिग बंगाल वॉज। खैर, वो हमारा इसमें टॉपिक नहीं है, हम लोग टॉपिक पर आएंगे। इतना ध्यान रखो कि छह राज्यों के साथ जो है बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छा होना अनिवार्य है, वरना इंडिया के छह राज्य जो है दे कैन गेट कॉम्प्रोमाइज। देयरफॉर द टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। पहली चीज, क्यों ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में दोस्तों इसलिए है क्योंकि 2021 जो साल है 2021 मार्क द गोल्डन जुबली, 50 साल पूरे हो रहे हैं 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर का। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 को डिटेल्स में जाना है हम लोगों ने पहले भी। इसमें ये कहा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1971 बांग्लादेश वॉज एक्चुअली फॉर्म्ड, द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ द इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1971। ठीक है, बैकड्रॉप क्या था हम लोगों को पता था, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश, और इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू क्रिएट एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद बांग्लादेश इमीडिएटली आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस इन दिसंबर 1971। दूसरी चीज, ट्रेड रिलेशन जो है वो भी बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा खासा है। इनफैक्ट बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। लेकिन स्वाभाविक है कि इंडिया बांग्लादेश से ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड अदर स्टफ, इसीलिए जो इंपोर्ट होता है इंडिया का या बांग्लादेश को ऐसे करें तो ये ट्रेड जो है वो अनफेवरेबल है। मतलब कि इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है देन इंपोर्ट, और बांग्लादेश इंडिया से ज्यादा इंपोर्ट करता है देन एक्सपोर्ट, इसीलिए ट्रेड जो है वो अनफेवरेबल है फॉर बांग्लादेश। इसी चीज को जब बांग्लादेश के लीडर्स ने इंडिया से बात करी कि हमारा ट्रेड बड़ा अच्छा चल रहा है, वी बींग द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ योर्स इन साउथ एशिया, वी डिमांड सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन बिकॉज द ट्रेड इज क्वाइट इम्बैलेंस, और इसीलिए भारत ने इस इम्बैलेंस ट्रेड को ठीक करने के लिए ऑफर किया है ड्यूटी फ्री एक्सेस। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हमारे देश में ड्यूटी फ्री बिना टैक्सेस के बिकेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये पहला चीज था। इसके अलावा 10 ऐसे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए हैं जिसके वजह से जो है मूवमेंट आसानी से हो सके। इसके अलावा हम लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करी हैं, आर्म्ड फोर्सेस, दोनों तरफ के आर्म्ड फोर्सेस ने रेगुलरली एक साथ रेगुलरली ड्रिल्स, जॉइंट ड्रिल्स कंडक्ट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल संप्रति, मिलान, ये सब जॉइंट ड्रिल्स के नाम है जो कि इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर किया है। इसके अलावा बांग्लादेश को भारत ने $500 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है जिसके बलबूते पे बांग्लादेश जो है वो अपने डिफेंस इंपोर्ट को ले सके फ्रॉम भारत, फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत चाहता है, यहां पे एक एमसीक्यू बन सकता है प्रॉब्लम्स में, भारत चाहता है कि 1965 में जिस तरीके का कनेक्शन था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश या उस समय का ईस्ट पाकिस्तान, वो रिलेशन, वो कनेक्टिविटी वापस से आए। कैसे? एक रेलवे लाइन, एक रेलवे ट्रैक क्रिएट किया गया है, उसमें कहां से कहां तक है ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, जिससे प्रोबेबल एमसीक्यू क्वेश्चन। हल्दीबारी जो भारत में है, हल्दीबारी से चिल्लाहाटी जो बांग्लादेश में, सो एक ये रेलवे ट्रैक जो 1965 से भी पहले का है इसको वापस से तैयार किया जा रहा है, हल्दीघाटी टू चिल्लाहाटी। दूसरा एक और रेलवे ट्रैक जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, अभी उसका काम चल रहा है, उसका नाम है अखौड़ा टू अगरतला। ये एक रेलवे लिंक है जो कि अभी काम उसका चल रहा है, ये दोनों एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक BBIN और MVA, ये दो सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट्स हैं जो अभी भी इंप्लीमेंटेशन होना बचा हुआ है, तो दोनों कंट्रीज हैव कमिटेड फॉर अर्ली इंप्लीमेंटेशन। BBIN क्या है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड इंडिया, इन चार कंट्रीज के बीच में क्या होगा, मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट 2015। इसमें पैसेंजर्स, कार्गो ट्रक्स, पर्सनल, ये सब लोग जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ने रिसेंटली ग्रांट किया है, परमिशन दिया है किसको, भारत को, कि वो बांग्लादेश की जो इनलैंड वाटर रूट है, इनलैंड वाटर रूट उसको यूज कर सके। जैसे बांग्लादेश ने भारत को अलाउ किया है कि उनका जो पोर्ट है, जैसे चिट्टागोंग में एक पोर्ट है, मोंगला में एक पोर्ट है, अगेन एमसीक्यू, चिट्टागोंग और मोंगला में जो पोर्ट है वो भारत इस्तेमाल कर सकता है, खास करके उसके नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स कैन यूज चिट्टागोंग पोर्ट एंड मोंगला पोर्ट।
इसके अलावा अगर हम बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें तो इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर्स विद बांग्लादेश, नॉट विद चाइना. भारत सबसे लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ. द रेटिफिकेशन ऑफ द लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट 2015 एंड द डिलिमिटेशन ऑफ द मैरिटाइम बाउंड्री जो कि बे ऑफ बंगाल में हुआ था 2014 में, ये दोनों ने काफी ज्यादा पीस रिजोल्व करा है इन दोनों कंट्रीज के बीच में. लैंड और पानी दोनों का अच्छे तरीके से डिमार्केशन हो चुका है, डिलिमिटेशन हो चुका है पीसफुली. नेक्स्ट, टूरिज्म की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश अकाउंट्स फॉर मोर देन 35% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल मेडिकल पेशेंट्स. इसको कहते हैं मेडिकल टूरिज्म. तो मेडिकल टूरिज्म में बाहर देश से जो भारत में आते हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्री या सस्ता होगा और ज्यादा बेहतर होगा. और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है भारत के टोटल रेवेन्यू में मेडिकल टूरिज्म से अराउंड मोर देन 50%. सो हर एस्पेक्ट में बांग्लादेश जो है वो एक अच्छा पार्टनर रहा है. ठीक है, उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट वाटर ट्रांजिट एक अग्रीमेंट है जिसको जानना जरूरी है, वो है इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड. इसको साइन किया गया है विद एन इंक्लूजन ऑफ अ न्यू रूट. एक नया रूट उसके अंदर इंक्लूड किया गया है, डिक्लेरेशन ऑफ न्यू पोर्ट ऑफ कॉल CAWL. अब ये पोर्ट्स ऑफ कॉल होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है. पोर्ट्स ऑफ कॉल क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे. पोर्ट्स ऑफ कॉल बेसिकली वो इंटरमीडिएट स्टॉप्स होते हैं शिप्स के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह लंबा जाते हैं ताकि वहां पे रुक कर वो अपने सप्लाईज ले सके, खाने पीने का, मेडिसिन का, या तो तेल भरवा सके. तो पोर्ट्स ऑफ कॉल बनाया जाएगा ताकि जहाज जो है दूर दराज से आ रहे होंगे तो वो रुक कर अपना राशन पानी और फ्यूल ले सके. तो ये पोर्ट ऑफ कॉल बनाने का परमिशन बना सकते हैं. ये सब चीजों का इंक्लूड किया गया है इन इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल ऑन इंटरनेशनल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड. वैसे तो ये काफी पुराना है, इट वाज साइंड इन 1972 और लेकिन उसको 2015 में फिर से रिन्यू किया गया है. ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी, ये जानना जरूरी था. उसके बाद एक और है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे. ये एक ट्रांस बॉर्डर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांस बॉर्डर कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है मोरे, एक जगह है मणिपुर में इंडिया, और माय सॉट एक थाईलैंड में जगह है. इट इज अ ग्रांट इन एड इनिशिएटिव बाय इंडिया एज अ पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ये जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे कह रहे हैं, ये इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, विद एन एम एट ओपनिंग इंडियाज गेट टू आशियान कंट्रीज विच विल बूस्ट द ट्रेड एंड कॉमर्स. साथ ही इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2021. इंडिया हैज ऑल्सो प्रपोज्ड एक्सटेंडिंग हाईवेज टू कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इंडिया पहुंचने की कोशिश कर रहा है. अब बात ये बांग्लादेश में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश भी इससे आने वाले समय में मदद ले सकता है, इसको यूज कर सकता है, प्रोवाइडेड बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन अच्छा रहे. तो आई होप ये टॉपिक आपको काफी क्लियर हो रहा है. एक और चीज यहां पर हम लोग को बताना जरूरी है, वो ये है कि हाल फिलहाल में एक समिट हुआ है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. इसमें क्या क्या चीजों के बारे में बात किया गया, नंबर 1 बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, नंबर 2 कनेक्टिविटी, और नंबर 3 कोऑपरेशन इन वाटर रिसोर्स पावर एंड एनर्जी. अगर हम बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करें तो बोथ साइड ऑफ अग्रीड टू वर्क टुवर्ड्स फाइनलाइजिंग द डिलिनेशन ऑफ द फिक्स्ड बॉर्डर्स इंक्लूडिंग द एरियाज लाइक इच्छामती, कालिंदी, रायमांगुल, हरियाभंगा एंड खुसरियारा. ये सारे रिवर्स हैं जिसको प्रॉपरली डिमार्केट करना अभी भी बचा हुआ है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. दूसरी चीज, इनॉग्रेट करना पड़ेगा बहुत सारे नए रेलवे लिंक जो पहले थे उनको रिस्टोर करना पड़ेगा. अभी हम लोगों ने बात करा हल्दीबारी से लेकर चिल्लाहाटी तक. नेक्स्ट, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये जो है इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश ने भी एक्सप्रेस किया है अपना इंटरेस्ट कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे में वो भी शामिल हो, जिसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा वाटर रिसोर्सेज में, पावर में और एनर्जी में. जैसे कि कुछ एरियाज हैं जैसे मानू, महुरी, खोवाई, गुमती, धरला एंड दुधकुमार, ये सब एरियाज हैं, सिक्स जॉइंट रिवर्स हैं जहां से ये लोग वाटर शेयर करने वाले हैं. ठीक है, जहां से लोग वाटर शेयर करने वाले हैं और इसी के साथ साथ दे विल इंप्लीमेंट मेनी ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन और मातृ सपोर्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट. ये दोनों इंपॉर्टेंट है, MCQ 100% बन सकता है 100%. तो आई बिलीव ये इंडिया बांग्लादेश की छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं इसके ऊपर जहां मैं MCQ लिख रहा हूं आप इन पर फोकस करेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सामने वो है इंडिया नेपाल में हमें फिर से मैप की तरफ फोकस करना पड़ेगा. मैप पर फोकस करते हैं. ये रहा उत्तराखंड का एरिया से इनका जो है बॉर्डर शुरू होता है और ये पूरा उत्तराखंड एरिया को कवर करता है अप टू दिस पॉइंट. उसके बाद ये नेपाल के साथ जुड़ जाता है. यानी कि अगर सवाल पूछा जाए कि नेपाल के साथ अभी रिलेशन कैसे हैं तो उसको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, नेपाल के साथ रिलेशन कुछ ऐसा है कि ये जो ट्राइंगुलर पार्ट जो येल्लो में मार्क है वही आज के तारीख में नेपाल के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है. फिर से समझते हैं कि नेपाल के साथ ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नेपाल के साथ भारत का भी रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है. क्यों नहीं चल रहा है? बिकॉज नेपाल एक एक्स्ट्रा लैंड मांग रहा है. ये जो आप ब्लू येलो में आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है वो नेपाल कहता है कि वो भारत का नहीं बल्कि उनका है, और ये एक्चुअली में जो पार्ट है वो उत्तराखंड स्टेट का है.
ये उत्तराखंड स्टेट का है, तो वो चाहते हैं कि ये उन, वो कह रहे हैं कि उनका है, और सिर्फ कह ही नहीं रहे हैं, उन्होंने नेपाल ने अपने ऑफिशियल मैप में भी इस येल्लो पोर्शन को अपना पार्ट बताया है, जिसको सुनकर भारत ने कहा है कि ये मजाक अच्छा कर लेते हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो देखते हैं कि न्यूज में क्यों है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। रिसेंटली देयर वाज अ डिसकंटेंट इन नेपाल ओवर द रिपोर्ट्स क्लेमिंग दैट इंडिया इज अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द एरियाज दैट नेपाल इंक्लूडेड इन इट्स मैप। इंडिया ने कुछ कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया है जो जगह नेपाल क्लेम करता है कि वो खुद का उनका है, खुद उनका है, इन देयर ओन मैप विदाउट इवन कंसिडरिंग एंड कंसल्टिंग विद इंडिया। नेपाल गवर्नमेंट, कुछ फैक्ट्स बताते हैं, नेपाल गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है एक मैप इंक्लूडिंग 370 किलोमीटर्स जो कि एरियाज जैसे कालापानी, लेपू लेक एंड लिम्फियादुरा, इन तीन एरिया को जो कि इंडिया का पार्ट है वो कहते हैं कि वो उनका पार्ट है। अब यहाँ पे जरा फोकस करिए, आप यहाँ पे मैप पे फोकस करिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिम्फियादुरा, दूसरा ये है कालापानी, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, और ये है लेपू लेक, ये कहते हैं उनका पार्ट है। अब किस बेसिस पे वो कह रहे हैं इसको समझने की बात है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने वीडियो एक अपलोड करी थी जहां पे हमने कहा था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने अपने नेबर्स को, ब्रिटिश इंडिया ने अपने नेबर्स के साथ बहुत सारी ट्रीटीज करी थी, उसमें से नेपाल था, भूटान था, तो वो सारी चीजें, वो सारी नॉलेज अभी यहां काम आने वाली है। वो जो नेपाल के साथ अंग्रेजों ने ट्रीटी किया था 1816 में, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली, जहां पे नेपाल के राजा गोरखा रूलर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने साइन किया था, वही एकमात्र ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि ये जो एक्स्ट्रा 370 किलोमीटर है वो नेपाल का पार्ट है। हालांकि ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है वो मार्क करता है कि काली रिवर जो है उसका नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर विद इंडिया, काली रिवर जो महाकाली है, जिसको महाकाली कहते हैं नेपाल में, उस वो है इंडिया नेपाल का नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, ठीक है। अब बात यह है, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि काली रिवर जो है उसको इंडिया ने और नेपाल ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। काली रिवर के ओरिजिन को लेकर के दिक्कत है। अगर ओरिजिन इंडिया जो कहता है वहां से है तो फिर ये जो येलो वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा 370 किलोमीटर है वो इंडिया का होना चाहिए, और अगर हम कहते हैं कि जो नेपाल कह रहा है कि काली रिवर का जो ओरिजिन है वो कहीं और है अकॉर्डिंग टू नेपाल, तो फिर ये 370 किलोमीटर नेपाल का पार्ट होना चाहिए। तो डिस्प्यूट जो है वो ओरिजिन ऑफ काली रिवर को लेकर है। जान लेते हैं क्या कहता है। नेपाल के अनुसार रिवर जो है वो शुरू हो रही है लिम्फादुरा से, यानी कि यहां से, दिस पॉइंट यहां से शुरू हो रही, दिस इज द ओरिजिन एज पर नेपाल, मैं एन मार्क कर रहा हूं। और इंडिया के अनुसार नेपाल जो इंडिया के अनुसार जो रिवर है वो शुरू हो रहा है कालापानी से, विच इज दिस वन, ये इंडिया के अनुसार। तो यही पे डिस्प्यूट है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस एरिया की, जिस 370 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को लेकर इतना डिबेट हो रहा है, उस एरिया का सिग्निफिकेंस क्या है। नंबर वन, लेपू लेक जो है एक पास भी है, पास दो पत्थर दो माउंटेन के बीच का एक पास है, जिसको यूज किया जाता है बहुत सारे पिलग्रिम्स द्वारा और बहुत सारे टूरिस्ट के द्वारा जो लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं जो कि नेपाल में। दूसरी चीज, लेपू लेक पास जो है वो इंडिया को बहुत मदद करता है सर्वेलेंस करने में। क्या सर्वेलेंस करता है भारत वहां से? भारत देखता है कि चाइना में कोई मूवमेंट तो नहीं चल रहा, तो वो पास हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। रिसेंटली भारत और नेपाल के रिलेशन जो है वो थोड़ा सा डगमगा गया है, थोड़ा सा खराब हो गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्यों और खराब हुआ है, क्योंकि 2015 में बॉर्डर को लेकर के ब्लॉकेड लगा दिया गया था भारत ने बॉर्डर को लेकर के ब्लॉकेड लगा दिया था। क्यों लगाया था? फॉलोइंग प्रोटेस्ट बाई मधेसीज जो कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो इंडिया के एंसेस्ट्री हैं लेकिन वो रहते हैं नेपाल में, एंड सम अदर एथनिक ग्रुप्स अगेंस्ट द मार्जिनलाइजेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट इन नेपाल। नेपाल में इन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था, इसीलिए नेपाल से उन लोगों को निकाला जा रहा था, फलस्वरूप भारत ने ब्लॉकेड लगा दिया था ताकि वहां से कोई निकल ना पाए। तो ये इसको लेकर भी भारत और नेपाल के बीच में 2015 से दिक्कतें शुरू हो गई थी, और ये अब ये नया चीज निकला है ये काला पानी को लेकर। अब बात सिर्फ ये है कि इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है, इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर है, ये डिसाइड ना इंडिया ने किया है ना नेपाल ने किया, ये डिसाइड हुआ है नेपाल के गोरखा राजा के द्वारा और भारत में उस समय के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये जो पुरानी ट्रीटी ऑफ सुगौली है इसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ही एकमात्र जरिया है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का। तो डिस्प्यूट आई बिलीव समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में भी कि व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो जवाब क्या देंगे? जवाब यही देंगे कि किसी थर्ड पार्टी से अगर हम चाहें तो इस ट्रीटी ऑफ सुगौली को प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट करवा सकते हैं, अदरवाइज हम दोनों को, इंडिया और नेपाल को, म्यूचुअली बैठकर इस ट्रीटी को बारीकी से रीजन के साथ अप्लाई करके इस ट्रीटी को इंटरप्रेट करना होगा, ठीक है। और एमसीक्यू अगर पूछा जाए तो कहां पूछा जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चंस पे? ट्रीटी ऑफ सुगौली पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
इसके अलावा ये सारे एरियाज हिंट करते हैं, आपको एक अंदाजा लगाने के लिए कह रहे हैं कि इंडिया के साथ या ब्रिटिश इंडिया के साथ उस समय जो भूटान का रिलेशन था, जो नेपाल का रिलेशन था, जो अफगान के साथ रिलेशन था, ये सारे के सारे रिलेवेंट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। देयरफॉर मॉडर्न हिस्ट्री में वो वाला पार्ट 1600 से 1750 तक का जो पार्ट है, वो इनफैक्ट 1850 तक का जो पार्ट है, वो बहुत 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 रिलेवेंट बन जाता है बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज कमिंग अप एज करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे इंडिया भूटान। दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं इंडिया और भूटान रिलेशन। पहले इस चीज़ को समझते हैं कि भूटान और इंडिया का रिलेशन में हम लोग बारी बारी से चाइना को क्यों पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये भूटान का वो एरिया है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, और ये वो एरिया है जहां से भारत के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो भूटान जो है वो दो कंट्रीज के बीच में कहीं इस तरीके से फंसा हुआ है। सो टेक्निकली भूटान जो है वो भारत के लिए एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहा है। अब यहां पे क्या हमें समझना है, ये एरियाज आप देख लें, दोखलम प्लेटो, इसके इस तरफ है इंडिया, इस तरफ है चाइना और इस तरफ है भूटान। तो ये ट्राई जंक्शन पे ये एरिया है। इसके अलावा जाकारलुंग और पासामलुंग, अब इनको समझते हैं ये सब एरियाज किस चीज के लिए हम यहां पे हाईलाइट करके रखे हैं। पहली बार फर्स्ट टाइम चाइना इंक्लूडेड भूटान ईस्टर्न, ये भूटान का ईस्ट, भूटान का वेस्ट, भूटान का नॉर्थ, भूटान का साउथ। तो भूटान ईस्टर्न सेक्टर टू द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज, पहली बार भूटान के ईस्टर्न सेक्टर को डिस्प्यूट में इंक्लूड किया है। न्यूज में क्यों है, देखिए हाल फिलहाल में यूएनडीपी के द्वारा एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की फंडिंग मिलती है भूटान को। क्यों, क्योंकि भूटान में ये साक्तेंग करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ईस्टर्न भूटान में, जिसको पैसा मिलता है यूएनडीपी की तरफ से। अब उस पैसे को चाइना ने अटेम्प्ट किया है कि वो पैसा ना पहुंचे, तो चाइना हैज अटेम्प्टेड टू स्टॉप द यूएनडीपी फंडिंग फॉर द साक्तेंग वाइल्ड लाइफ जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान में है। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं जहां पर यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसको सब लोगों ने इनफैक्ट ओवर रूल ही कर दिया है। इसके अलावा और भी एरियाज है जिसके साथ चाइना और भूटान के रिलेशन में अच्छी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो है जाकारलुंग, पासामलुंग और दोखलम प्लेटो। अब यहां पर जो फ्रिक्शन हो रही है इसमें भूटान हैज ऑलवेज मेंटेन साइलेंस ऑन इट्स बाउंड्री नेगोशिएशन विद इंडिया विद चाइना। इसके अलावा भूटान डज नॉट हैव एनी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना। अगर हम बात करते हैं 1984 से लेकर 2016 की, तो तकरीबन 24 राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स हो चुके हैं बिटवीन भूटान एंड चाइना, लेकिन अभी भी कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। सारे के सारे जो डिस्कशंस हैं वो नॉर्थ और वेस्ट भूटान के रीजन को लेके ही हुआ है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ये नॉर्थ एरिया में ये दो एरियाज हैं और वेस्ट में ये दोखलम प्लेटो। इंडिया का कंसर्न ये है कि चाइनीज प्रेजेंस इन दोखलम रीजन एंड अदर एरियाज विच इज नियर भूटान, तो वो एक्चुअली में विल ब्रिंग चाइना क्लोजर टू इंडियाज वल्नरेबल चिकन नेक विच इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी कि ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन ऑफ इंडिया इज द चिकन नेक, ठीक है, इसके ऊपर चाइना ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। 2017 में जब चाइना का एक लंबी चौड़ी आर्मी जो है वो इंट्रूड कर दी थी दोखलम रीजन पे, जो कि भूटानीज टेरिटरी है, इनफैक्ट एक ट्राई जंक्शन पे है इंडिया भूटान चाइना का, तो इसमें भी इंडिया ने काफी हद तक इस चीज की थ्रेट को एंटिसिपेट किया था। इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वो 2007 में ही हो गई है, जिसमें दोनों साइड ने यह कहा है कि दे विल कोऑपरेट क्लोजली विद ईच अदर ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू देयर नेशनल इंटरेस्ट। सो टेक्निकली देखा जाए तो भूटान और इंडिया का अच्छा खासा रिलेशन है, ये अच्छा खासा रिलेशन रहेगा भी। चाइना हमेशा कोशिश करता रहेगा कि किस तरीके से भूटान के अंदर इंट्रूड किया जाए या यहां की सरकार को मैनिपुलेट किया जाए, सो एज टू यूज भूटान अगेंस्ट इंडिया, और भूटान भी यही कोशिश करेगा कि चाइना ऐसा ना कर सके। सो यही है मोटा मोटा टॉपिक इसके ऊपर। न्यूज में सिर्फ इसलिए है, आप लोग को सिर्फ ये याद रखना है कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एक फंडिंग है जो यूएनडीपी देती है, उसको रोकने की गलती चाइना ने भी करी फॉर द साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान। ये आपके लिए एमसीक्यू है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। ये एक छोटा सा एक PT 65 को खत्म करने के लिए एक कोशिश थी, हम लोग इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सबसे ज्यादा लोग जो है यूपीएससी एस्पिरेंट बेनिफिट पा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।